ही बोलिए, आप पब्लिक से पूछिए पहला अच्छा लग रहा था कि दूसरा। फॉरगेट अबाउट मी। आप जानती है मैं कंपोजर नहीं हूँ। नहीं है तो फिर आप जानती है मैं कंपोजर नहीं हूँ। आप जानती है मैं कंपोजर नहीं हूँ। हेलो हेलो, क्या मैंने चैलेंज किया था? अगर मैंने कहा कि वो लड़का सही नाचा है उस गाने के लिए, तो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही थी, कोई लाड़ प्यार से नहीं। अम्मा, I want you to listen me for once। हम दोनों ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। ये जो बात की जा रही है, अगर आप कहते हो कि आई एम नॉट डूइंग माई जॉब सो आई कैन क्विट हियर एंड गो राइट नाउ। जब रणभूमि में हो खेला संग्राम, तो संग्राम के अलग अलग रंग देखे के मिलेला, और वही संग्राम के वो रंग देखे के मिलल रहे हमनी के पिछला एपिसोड में, जब श्वेता जी और बड़की माई के बीच में हो गए रहे मतभेद, और वो मतभेद के देख के संभावना जी के आँख हो गए रहे नम। एक और फैसला भी रह गए रहे बाकी, पिछला एपिसोड में एक योद्धा के मन छोड़ के जाए के रहा, लेकिन फैसला टल सकेला बदल ना सकेला। वो फैसला के जाने खातिर और ये संग्राम के आगे बढ़ावे खातिर हमनी के जोरदार ताली से स्वागत कैल जाई ये महासंग्राम के महागुरु बड़की माई के। तो दोनों पार्टी नजर नहीं आ रही, लीडर्स किधर हैं, डांसर्स किधर हैं? दोनों कप्तान लोग और योद्धा लोग ये संग्राम के आगे बढ़ावे से पहले आपसे कुछ कहल चाहत हुए, अगर आपके अनुमति होके तो लोग के हम बुलाई आपसे कुछ कहे खातिर। जरूर बुलाइए, किस लिए वेट कर रहे हैं? जी ठीक बटे, तो हम अपना दोनों कप्तान और योद्धा लोग के बुलाओ तनि। करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार, हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेकरार, हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। मैं अभी एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ जिसमें परफॉर्म तो दूर की बात, शायद हल्का सा भी चलना फिरना मेरे लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गई है। ओए मेरे ऋतिक रोशन, मेरी सब कुछ संभावना मैम, आज शायद मैं उनका जितना शुक्रिया अदा कर सकूं वो कम होगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। Only one gesture from me. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। कितना भी परिश्रम किया हो या कितना भी मैंने सोचा हो कि नहीं मैं इस बार ये परफॉर्म करूंगा, वो सब पानी में चल गया। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। सुन ले यारो, मैं साथ ही साथ सबको बहुत मिस करूंगा। आप लोग अच्छे से कंपटीशन लड़िएगा और जस्ट स्टेज में आग लगाइएगा। उसका इस मंच से जाना
मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं सभी के लिए बहुत दुख की बात है, सभी को बहुत तकलीफ है उसके जाने से। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि उसे इस मंच को छोड़कर जाना पड़ा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे मिलूँ इसके बाद, कोशिश करूँगी कि जितना डॉक्टर्स हो सकते हैं उसे ठीक करें जल्द से जल्द, और वो इस मंच पर किसी भी हालत में लौट कर आए, इस मंच को उसकी ज़रूरत है। जैसन कि हम बार बार बात के दोहरावत रहली कि जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, वह ओकरा के दिहल जाई नेस्ले एवरीडे परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। और ये बात के सब केहू मान ले लेबा कि जितना बार है मंच पे आकाश आयल रहले, बड़की माई के दिल जीते में उनके कामयाबी मिलल रहे और उनका परफॉर्मेंस हर बार मजेदार रहे। तो हमनी के टीम ही निश्चय कैले बा कि आकाश बाबू के दिहल जाई नेस्ले एवरीडे मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। हम संभावना जी से चाहब कि बड़की माई के लगे जाके और एक खिताब के लेके आई। बड़की माई के हाथ से दिहल गई है की तरफ से रखल गए खिताब, मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब आकाश खातिर। अगर इस मंच पर आकाश वापस आया तो ये सबसे वादा करती हूँ कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में मेरा आकाश के साथ होगा इसी मंच पर। आकाश बाबू के तो मिल गई मजेदार परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब, लेकिन जे मंच पर सबसे ज्यादा बार जीत सकी परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब, ओकरा के दिहल जाई के तरफ से बम्पर इनाम। लेकिन अभी एगो सवाल वैसे ही मुंह बोले खड़ा बा कि आज और अभी ए मंच के छोड़ के वो कौन योद्धा हुआ जिके जाए के पड़ी? दिनेश जी, अब तक सब के सब अच्छा नाचे हैं और आकाश को बीमारी ने पकड़ लिया, वो भी एक दुख भरी दास्तान है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को और दुख दूं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है इस बार हम लोग एलिमिनेशन नहीं करते। जोरदार ताली हो जाए। बल्कि माई के आदेश के अनुसार आज मन छोड़ के दोनों योद्धा ना जाई हैं। हम शो फिर शुरू करते हैं। यह है प्यार की ताकत। और बतावल गई ला कि नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छाछ में प्यार रहे और आज हमनी की थीम भी प्यार है, तो प्यार के रंग लेके हमनी के सबसे पहले ये मंच पे आई हैं श्वेता जी के धुरंधर। अम्मा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आकाश यहाँ से चला गया है, तो उसी के दुख में मैं चाहती हूँ कि मैं दीपू को भेजूँ पहले, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। पापा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? साथियों, यह प्यार के तड़प जोन दीपू दिखौले हैं। मैं बस डांस कर रहा था, मैं अपना पास्ट याद कर रहा था और मैं अपनी मम्मी को याद कर रहा था। मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, तो बस उसी चीज़ को याद करके मैं कोशिश किया ये कि मम्मी मेरे साथ में और मुझे छोड़ के जा रही है, बस यही दिखाने की कोशिश किया। दीपू के लिए मेरे पास आज कोई वर्ड्स नहीं है, मैं सिर्फ अपना प्यार का इजहार मैं जो दीपू से करना चाहती हूँ वो शायद मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी। तो मैं इस मंच पर आकर मैं सिर्फ दीपू को गले लगाना चाहती हूँ। ये मेरे आकाश का सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे वाकई इसके डांस ने आज आकाश की याद दिला दी। धन्यवाद।
बहुत प्यारा नाच है दीपू, आपके लिए एक ही चीज है मेरे पास। ना बताओ लियो कि गुप्त रखल जाई और आकाश एक कार्यक्रम के देखत हुई हैं तो आज अपने दोस्त पे अपन सारा नंबर लुटा दे ले हुई हैं। थैंक यू करी दोस्त, आज मंच पर जो जलवा दिखौले हैं उकरा से सब केहू के दिल जीते में इनकी कामयाबी मिलल है। तो आकाश के बाद के दुख जरूर हुई कि आज वो मंच पर निखन, काहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है तान संग्राम। कहल जाला कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होला, तो आज के संग्राम का विषय तो है मोहब्बत और जंग ही होते बा। तो आई सभी जानल जाओ संभावना जी से कि प्यार का कौन रंग दिखावे खातिर अपना कौना धुरंधर के भेजता नहीं। प्यार कई जन्मों का बंधन होता है और कृष्णा और राधा का प्यार भी कुछ ऐसा ही था, मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं। और इसी प्यार के अटूट बंधन को दर्शाने के लिए आज मेरी टीम से आएंगी कोमल। रिहर्सल में तो तू बहुते डरल रहलू कि हम कैसे कर पाई, कैसे करब, तो एकर तैयारी कैसे कैलू तू? सर डर तो बहुत लगता है क्योंकि प्यार वाला फीलिंग ही नहीं आता है कभी। प्यार वाला फील नहीं आ रहा है कोमल, क्यों? मम्मी देख लेगी तो डांटेगी। तू जोन प्यार के रंग दिखौलू है, ये प्यार के रंग कितना असर छोड़ला सब बड़की माई के ऊपर? मेरे पे बिल्कुल असर नहीं छोड़ा, एक्सप्रेशन नहीं थे वो प्यार के। सोच के करो कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं कि जो मास्टर ने सिखाया वो करना है। ओके जो भी आपने किया वो स्टेप्स किया, खुल के नहीं किया, और वो मुग्ध होने वाली बात जो कहते हैं, जो प्यार में जो सिमट जाने वाली बात होती है राधा और कृष्ण की, वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। एंड आई एम श्योर यू विल डू इट नेक्स्ट टाइम मच बेटर। यस श्वेता जी, यो बता दें कि आपके तरफ से इनके कितना नंबर मिलल है? आई गिव हर 33। 37 नंबर मिलल है कोमल के। अपन स्थान ग्रहण करें। अखाड़ा चाहे प्यार के होखे चाहे जंग के, केहू न केहू विजेता तो बनबे करी, और एह मंच के विजेता उहे बनी जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार, और जे एह मंच के विजेता बनी ओकरा के एगो शानदार ट्रॉफी के साथ दिहल जाई 11,00,000 रुपया के इनाम, और साथ में एसआई के तरफ से एगो शानदार बाइक। और अब अगला योद्धा के बुलावे खातिर हमनी के चलल जा श्वेता जी के पास, और जानल जाओ कि श्वेता जी अपना जाबाज लोग में से केकरा के भेजता नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल 14 फरवरी है, और 14 फरवरी अम्मा पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि ये प्यार का दिन है। जो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी होते हैं वो भी कल के दिन टाइम निकाल के अपने जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ रहते हैं। तो मैं उस वैलेंटाइंस डे के नाम पर अपने अमित को भेजना चाहती हूँ। जोरदार ताली से स्वागत कर लियो अमित कुमार के। ए सोना, हम तोरा से बहुत प्यार करेली। ना ना, इस सब प्यार वर हमरो अगर मास्टर जी की इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मास्टर जी, ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि अमित परफॉर्म कर रहा है। मतलब प्रॉप की बात करें या प्यार की बात करें या एक्सप्रेशंस की बात करें, आप घबराए घबराए से घूम रहे थे वहाँ पे। वो लड़की भी आपके कंट्रोल में नहीं आ रही थी ऐसा लग रहा है। चाहे आप उसको शायद मना रहे थे या थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो चीज़ें आपके फेस पर नहीं आई। मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा आपका परफॉर्मेंस। बहुत फीका। तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर बड़ा दुख हुआ। आज तोहके कितना नंबर मिलल है संभावना जी की तरफ से आवा जानल जाओ। मुझे लगता है दिनेश, जितने भी अभी तक लोएस्ट मार्क्स मिले हैं
शायद पहली बार अमित को मिलेंगे। 15 मैं इससे ज्यादा नहीं देना चाहूंगी। आज इस संग्राम में मंच पे देखे के मिल रहा बा प्यार के अलग अलग रंग। केहू के रंग पड़ता फीका और केहू के रंग बड़की माई के दिल जीते में कामयाबी हासिल करता। हमने के यो देखल जाए कि आगे कौन योद्धा कौन रंग लेके आई हैं और आज यह मंच पर दोनों टीम से एक एक योद्धा सुरक्षित हो जाई हैं और बाकी योद्धा लोग के अगले शुक्रवार के लड़े के पड़ी महासंग्राम। तो हमने के अगला योद्धा के बुलावल जाए और रउआ सभे अपना घर परिवार के प्यार में बदल रही और बनल रही ये मंच के साथे कहें कि वो हर सपना जौना में बसेला प्राण, वो हर सपना जौन भरेला उड़ान, वो हर सपना जौन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है टांग संग्राम। आज ही मंच रंगा गइल बा प्यार के रंग में और खोज शुरू हो गइल बा वो दू योद्धा के जे अंतिम 10 में जगह बना के और अंतिम युद्ध लड़े खातिर तैयारी करी है। आई हमनी के जानल जाओ संभावना जी से कि कौना जोशीले के भेजा तारी हूँ अंतिम 10 में जगह बनावे खातिर। दिनेश, अब मैं जिसे भेजना चाह रही हूँ वो है दिल्ली का छोरा अविनाश। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो अविनाश आज डांस करने जा रहे हैं वो कपल डांस है, वो सोलो डांस नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप श्वेता जी से पूछ लीजिए कि मेरे अविनाश को टक्कर देने के लिए वो किसे भेजेंगी। अविनाश एक बहुत ही फाड़ू डांसर है, तो इस फाड़ू डांसर के मुकाबले में हमारी फाड़ू डांसर आएगी गौरी छेत्री, जिसका नाम है दुर्गा छेत्री। प्यार का रंग कैसन लगल है सबसे पहले हमनी के जानल जाए अपना दोनों कप्तान लोग से। संभावना जी, आपके गौरी चैत्री के ही रंग कैसन लागल है? गौरी का परफॉर्मेंस एज यूजुअल बहुत अच्छा था। गौरी का परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा ही आता रहा है, हमेशा से अच्छा दिखता रहा है और आज भी गौरी का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा था। अब तक तो पूरी दुनिया जान गई होगी कि हाउ फेवरेट अविनाश इज टू मी, कि मुझे अविनाश कितना पसंद है, इसलिए वो जब भी जो भी स्टाइल करता है मुझे बहुत पसंद आता है हमेशा से। मैं अविनाश की डाई हार्ट फैन हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ। थैंक यू मैम। दोनों के एक्सप्रेशन हाईलाइट थे, दोनों की रिदम was very good. इस बार आप दोनों ने बहुत अच्छा नाचा। केमिस्ट्री अच्छा रहला, हमके बड़ा मुश्किल लगेला केमिस्ट्री बनावे में। एक हफ्ता से हम रोमांटिक गाना सुनतानी केमिस्ट्री बनाए खातिर। गौरी जी, आपको कुछ बताएं? हाँ, ये बात है कि इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी केमिस्ट्री बनाने में, लेकिन मैंने भी इसका बहुत साथ दिया। मैं हर वक्त इसको डांटते रहती थी, यार तू मुझे अभी दोस्त मत समझ, सोच कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड ही हूँ, यही सोच के तू नाच तभी कर पाएगा। इनसे पूछो, ये अभी सोच ही रहे ना, ऐसा हो तो नहीं गया ना? ये आपे पूछ लें, कहे कि आपके धुरंधर, आपके धुरंधर खड़ा हुए हो ऐसा। ये तो इसको देखकर तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इसमें कुछ ऐसी बात लगती है मुझे अविनाश में, ऐसा लगता है ये किसी भी लड़की को पटा लेगा, ऐसा है ना? हाँ, तुम पटा लेते हो ना? हाँ, पटा लेता है। तुम्हें पटा लिया? मैं पटा लेता हूँ लेकिन पटाना चाहता नहीं, क्योंकि जो मुझे पसंद आती है वो पटती नहीं है। यहाँ पे कोई है ऐसी, इस ग्रुप में कोई है ऐसी? नहीं मैम, यहाँ कोई नहीं है। वहाँ देख के किसको बात कर रहे हो? मैम वहाँ एक है, वो माइक पे बात कर रही है। अब आई जानल जाओ कि संभावना जी की ओर से कितना नंबर मिलल है गौरी जी के। 38 श्वेता जी से पूछल जाओ कि कितना नंबर दहली है अविनाश के, जेकर की खुदे फैन है। मैं भी अविनाश को 38 देती हूँ, बिकॉज आई रियली लव हिज पोस्चर्स एंड एवरीथिंग, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। 38 नंबर, दोनों धुरंधर के बराबर नंबर मिलल है और दोनों लोग बराबर मेहनत भी कैले हैं, तो हम चाहब कि आप लोग अपन अपन स्थान ग्रहण करी।
प्यार के बारे में कहल गईल बा कि प्यार के बतिया बतावे में काहे घबराएला और हमसे नेहिया लगावे में काहे पिछियाएला। हम अपन करेजा चीर के ना देखा पाई हो करेजा, काहे कि करेजा अपने अंदर तोहरे तस्वीरिया तो बसावेला। आपने बिल्कुल सही कहा दिनेश जी, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी थोड़ी की है ना। तो इस बात को समझाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए मैं भेजूंगी हमारी टीम से चांदनी। चांदनी पांडे पटना। सबसे पहले जानल जाओ संभावना जी से, कैसन लागल है इनकरी प्यार के रंग? बहुत अच्छा किया, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं भूली तुम, एक्सप्रेशंस बहुत प्यारे थे, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की से कोई प्यार में पड़ सकता है, कोई दरोगा है जो वाकई फंस जाएगा इस लड़की के प्यार में। वेरी गुड मैम, थैंक यू। चांदनी तुम नाचती अच्छा हो, लेकिन अभी मैं जितने भी डांस तुम्हारे देखे हैं मेरे को तुम्हारे एक्सप्रेशन एक जैसे दिखते हैं, मतलब समझे आप? जी मैम। कि हर गाने का अपना एक एक्सप्रेशन होता है जो आपकी शक्ल के ऊपर नहीं दिखाई दिया। अंधा ये बात के ख्याल रखम कि ऐसा गलती कभी ना हो। थैंक यू। गुड। तो अब आप जानल जाओ कि संभावना जी कितना नंबर दे लिए तोहरा के। मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, मुझे ओवरऑल इसका जो डांस था वो बहुत अच्छा लगा, उसके बेसिस पे मैं 36 नंबर देती हूँ। 36 नंबर मिला चांदनी पांडे। जब प्यार मोहब्बत के बात चल रहा बात आई सब है, कहें कि एक बात रहो सब जाने खातिर बेकरार हो खब कि हमनी के कप्तान जेकर नाम भी पलक है, मम्मी के हाथ पकड़ के पलक खड़ी है, जीवन भर ऐसे ही मतारी बेटी के प्यार ऐसे ही बनल रहे और आप लोग के आशीर्वाद ये लोग के मिलत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। अब अगला धुरंधर के बुलावे चला तनिजा। अब मैं जिसे भेजने जा रही हूँ वो सिर्फ हमारी ही टीम का नहीं, वो श्वेता का भी फेवरेट है, मास्टर जी का ही फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, हम सबका फेवरेट आत्मजीत। सबसे पहले चलल जाओ श्वेता जी के लगे। आत्मजीत आपकी स्टाइल तो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, लेकिन फुटवर्क में आज थोड़ा सा बीट्स यहाँ वहाँ हो रही थी, लेकिन जो आपका शोल्डर मूवमेंट था ना वो किलर था, किलर, वेरी नाइस। सो ओवरऑल आई लाइक योर परफॉर्मेंस। आपने अपनी पूरी जी जान लगा के नाचे, वो बहुत अच्छा। जहाँ तक आज रोमांटिक थीम की बात है तो प्यार के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, हम लोग का एक फ्रेंड यहाँ पर नहीं है आकाश, उसके लिए कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। जाने क्यों इस जहाँ में ऐसा होता है, खुशी जिसे मिलती है वही रोता है, जिंदगी भर साथ ना निभा सके जो, जाने क्यों प्यार उसी से होता है। आवत चलन जाओ श्वेता जी के लगे और पूछल जाओ कि कितना नंबर मिलल है तोहरा के। The number is 33. 33 number. प्यार के रंग में डुबकी लगा के एक एक करके सात महारथी अपन यहाँ रंग दिखा चुकल हुए, और आज हम यो बता दें कि आज कोनो दू गो महारथी ये मंच पे हो जाइए सुरक्षित, जे अंतिम 10 में पहुँच के और ये संग्राम के लड़े खातिर सुरक्षित हो जाइए। बाकी लोगन के फिर से ये संग्राम के लड़े के पड़ी अगला शुक्रवार के। तो जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी है मंच का सबसे बड़का भोजपुरिया डांसिंग सुपरस्टार। रउआ सब कहीं जाए मत कहें कि उहर सपना जोना में बसेला प्राण, उहर सपना जोन भरेला उड़ान, उहर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।
आज ही महासंग्राम के महामंच रंगा गए बा मोहब्बत के रंग में, और एक एक करके धुरंधर अपन रंग दिखावत हुए। अब कुछ पल बाकी बा जब फैसला के घड़ी आ जाई और पता चल जाई कि कौन दू गो धुरंधर हुए जवन आज यह मंच पे सुरक्षित हो जाइए और बाकी लोग फंस जाइए भंवर जाल में। त श्वेता जी, आप अपना कोना जाबाज के भेजल चाहतनी प्रदीप, प्रदीप को जोरदार ताली हो जाए प्रदीप मिश्रा के लिए। बहुत अच्छा, मैंने हमेशा कहा है ये छोटा गोविंदा है, नाक ऊपर चढ़ाकर जब नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी पूरी जी जान लगा के नाचे वो बहुत अच्छा है, चाहे वो पुतला हो चाहे इंसान। पूरा ईमानदारी से तू कहला, ईमानदारी से। और हम एक बात कहना चाहते हैं, जरूर भैया जरूर कहा कि जब भी हम पटना में डांस करत रहनी तो सब हमरा के बोलत रहल तू बढ़िया करला, तू बढ़िया करला। हमारा सपना रहे, हमारे मम्मी पापा के भी सपना रहे कि हम ऐसा स्टेज पर आई, यहाँ डांस करी। बहुत जगह गईनी, बहुत ठोकर खैनी, आ ठोकरे से आदमी सीखला। हम ठोकर खाते खाते जब हियाँ पहुँचनी, ऐसा कमेंट पहली बार हमरा मिलल है स्टेज पे। हमरा बहुत आज के दिन सबसे यादगार दिन रही, आ दिन के हम कभी ना भूलब। ए पल के तू कबो ना भूलैबा, लेकिन हमनी के भी ई भुलायल ना जाई कि अभी तुहार नंबर लेहल बाकी बा। ताव चलल जाओ संभावना जी के लगे और पूछल जाओ कि कितना नंबर मिलल है तोके। आपकी तरफ से जो आपका परफॉर्मेंस था वो बहुत बढ़िया था, और उसी के बेसिस पे मैं आपको 38 दे रही हूँ। 38 नंबर और अब बारी बाटे संभावना जी के टीम के, आई तनी देखल जाओ कि केकरा के भेजतारी संभावना जी कचकचा के। मैं इस बार भेजना चाहती हूँ मेरी टीम के शैतान अभिषेक को, ये बहुत ज्यादा शैतान है, अभी मैं चाहती हूँ ये शैतानी अब स्टेज पे दिखाए। संभावना जी भेज रहल बाड़ी कचकचा के, कान पकड़ के अभिषेक कलकत्ता से। हेलो आपके, हाँ बोलिए आपकी टेबल। हेलो हेलो, श्वेता जी कैसन लागल है? भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। देखकर तो अच्छा लग रहा था, आपके ओवरऑल जो आप एक्सप्रेशंस वगैरह देख रहे थे बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट में वो टेबल पे क्या हुआ वो कुछ क्लियर नहीं हुआ। इनके निमंत्रण आया ला ओकरे ब्याह में, ओके, जैसे ही प्यार करे ना ओकरे निमंत्रण आया ला। अच्छा, इस चीज को एक्चुअली क्लियर करना चाहिए था, ये मैं भी कंफ्यूज हो गई कि एंड में क्या हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक कर रहा था, समझ नहीं आया कि लव लेटर आया कि क्या हो गया। मुझे ऐसा लगा बम रखा हुआ है किसी ने, वो बम देख लिया इसने। एक्चुअली ऐसा था कि वेडिंग इनविटेशन था उसका, जो मुझे देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, जो कन्वे नहीं हो पाया ढंग से, मतलब बम के बराबर ही था, बम से तनी को कम नहीं थे। शानू पिज्जा शॉप में, शानू कौन है? सच ये कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। इनकर गर्लफ्रेंड के नाम है शानू। अब एक और चीज बता दे, दुनिया के सामने नाम ले दिया। कहता है मेरे पिछले 12 साल से अफेयर है, खुद 17 साल। पिछले 12 साल से नहीं, जब 12 साल का था तब से। 12 साल का था ये, अभी की नहीं है, ये बचपन की है बातें। प्यार के रंग में जल्दी रंगा जाला आदमी। तो आई तनी अब जानल जाओ श्वेता जी से कि कितना नंबर दिहली है अभिषेक बाबू के। मैंने इन्हें 35 दिया है। 35 नंबर अभिषेक बाबू के मिल गई, 35 नंबर। और अब धीरे धीरे करीब आ रहल बा ऊ घड़ी जब फैसला हुई कि दू धुरंधर मंच पे रही हैं सुरक्षित और बाकी लोग फंस जाई हैं भंवर जाल में। हमनी के उहो देखल, हुआ सब कहीं जाई मत, काहे कि हर सपना जोना में बसेला प्राण, उ हर सपना जोन भरेला उड़ान, उ हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल कहीं और ना। डांस संग्राम, प्यार के कमान से निकलल हर योद्धा अपन अपन तीर छोड़ता, कोनो तीर निशाने पे लगता तो कोनो थोड़ा पिछड़ भी जाता। ताई देखल जाओ तनी
श्वेता जी के कि अपन कौन अगला योद्धा के भेजा था नहीं है प्यार के जंग में लड़ाई करे खातिर। एक आनंद ही बचा है क्योंकि सारे के सारे जा चुके हैं, तो हमारा जांबाज आनंद है। लेकिन अब मैं संभावना जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे इस जांबाज छोटे बॉम्ब के साथ मैं आपकी छोटी बॉम्ब मांगना चाहती हूँ ताकि दोनों साथ में आके परफॉर्म करें। तो आए सब स्वागत कर जाओ आनंद ईशान और छोटा साइज पॉकेट धमाका। कैसन लागल संभावना जी आपके ही प्यार के रंग? मैं दोनों की परफॉर्मेंस में खो गई। थैंक यू मैम। मुझे इतना बढ़िया लगा, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इतना सेंसुअस, ये सॉन्ग भी उतना सेंसुअस था, उतना ही इन दोनों ने खूबसूरती से निभाया है। मेरी ओर से थम्स अप, वेरी नाइस। थैंक यू। और एक और साथ में चीज बोलूंगी, मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट अंजलि यू आर टू गुड, सुपर्ब अंजलि। ये देखते देखते अम्मा ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फिल्म का कोई गाना देख रहे हैं, लग ही नहीं रहा था कि हम स्टेज पे दो बच्चों को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे, जो शायद इन्होंने अभी तक इस पैशन के लेवल पर जिंदगी इनकी गई नहीं है, पहुंची ही नहीं है उस लेवल का परफॉर्मेंस। हैट्स ऑफ बोथ ऑफ यू, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम, ऐसा लगा मैं धक धक करने लगा देख रही हूँ। Correct, Amma. It was superb. Superb. Both of you all. Too good. Thank you, ma'am. Very, 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 very good. Thank you, ma'am. Kareli pagal tor kori re badaniya saneh pore por jagela। Shweta ji, batayin, aapke jholi se kitna number niklal hai Anjali khatir? Tum wahan rehne ke bawajood, mera apna bachcha hai। मेरे अपना, मेरा गर्व है। सो आई गिव यू फुल 40 मार्क्स। 40 में 40। खंड का उठाओ ते बेकल भैल मनुआ झील जैसन अखियन में डूबल पर। अगर अंजलि को 40 मिले हैं तो आनंद भी 40 डिजर्व करता है। वाह, 40 में 40। अम्मा, क्या आप नागेंद्र को पहचानती हैं? ये म्यूजिक उसका है। मुबारक हो, मुबारक हो, वेरी गुड। नागेंद्र जी, एक बार जरूर आप मंच पे आएं। हर हर महादेव के धरती से दिखाई है, हीरा निकल के आयल हूँ लोग। वेरी गुड नागेंद्र। थैंक यू सरू जी। कब से हैं आप म्यूजिक डायरेक्टर? करीब 6-7 साल हो गए। कितनी पिक्चरें की है? मैंने सरू जी कुछ 6-7 फिल्में की हैं, लेकिन अभी तक कोई फिल्म मतलब कह सकते हैं बड़ी हिट नहीं हुई, इसलिए मैं अभी वो पीछे ही खड़ा रहता हूँ। अगर मास्टर जी को मेरे छोटा पैकेट बड़ा धमाका का परफॉर्मेंस अगर आज उतना अच्छा लगा है, क्योंकि पिछली बार बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था, तो मास्टर जी प्लीज़ इस बच्ची को इसका टैग वापस कर दीजिए। आपने हमारा दिल तोड़ दिया। अभी हम आपको धमाका नहीं बोलेंगे, सिर्फ धमा, बस का नहीं बोलेंगे, धमाका। छोटा धमाका के जो टैग रहे वापस मिल गए अंजलि के। अंजलि और आनंद बाबू, हम चाहब कि आप लोग अपन अपन स्थान ग्रहण करा। अब आ गेल बा फैसला के घड़ी। सब योद्धा लोग के किस्मत में लिखल जा चुकल बा और बड़की माई के नंबर भी जोड़ दहल गेल बा प्रतिद्वंदी कप्तान लोग के नंबर के साथ में। तो आई अब जानल जाओ कि वो कौन दू गो धुरंधर हमें जोन आज यह मंच पे सुरक्षित हो जाई हैं और अंतिम 10 में पहुंच जाई हैं। सबसे पहले चलल जाओ संभावना जी के टीम में और देखल जाओ कि
ये धुरंधर लोग के बड़की माई और श्वेता जी के ओर से कितना नंबर मिलल है। सबसे पहले कोमल बड़की माई इनका के देहली है 34 नंबर और श्वेता जी देहली है 33 नंबर। दोनों मिला के इनकर नंबर भइल है 67। और अब बारी आइल अविनाश बाबू के, बड़की माई के ओर से इनके मिलल है 36 नंबर और श्वेता जी इनके देहले बाड़ी 38 नंबर। दोनों नंबर मिला के इनकर भइल है 74 नंबर। आत्मजीत बाबू के मिलल है श्वेता जी की ओर से 33 नंबर और बड़की माई की ओर से मिलल है 35 नंबर। कुल 68 नंबर मिलल है आत्मजीत के। श्वेता जी की ओर से अभिषेक के मिलल है 35 नंबर और संजोग के बाद बा कि बड़की माई भी इनके देले हैं 35 नंबर। कुल मिला के इनकर नंबर 70। और अब बारी आ गई हमनी के संभावना जी के टीम के पॉकेट साइज धमाका के। इनकरा के श्वेता जी देहली है 40 में 40 और बड़की माई इनका के देहले बाड़ी 40 में 40। तो दुविधा के कोनो बातें नहीं के सीधा सीधा संभावना जी के टीम में अंजलि वो योद्धा हैं जे आज ए संग्राम में सुरक्षित हो गई ली और अंतिम 10 में पहुंचे वाली वो भाग्यशाली योद्धा अंजलि। जोरदार ताली हो अंजलि के लिए। और अब बारी बाटे श्वेता जी के टीम से। प्रदीप बाबू आपके बड़की माई के ओर से मिलल है 35 नंबर, संभावना जी की ओर से मिलल है 38 नंबर। कुल मिला के 73 नंबर। गौरी चैत्री दुर्गापुर से आपके संभावना जी देहलेबाड़ी 38 नंबर और बड़की माई देहलेबाड़ी 36 नंबर। कुल मिला के 74 नंबर। अब हम बतावे चला तनी अमित बाबू के बारे में, जेकर रंग आज एह मंच पर सबसे ज्यादा फीका पड़ल और उनकरा के संभावना जी की ओर से मिलल है 15 नंबर और बड़की माई उनका के देहली है 13 नंबर। कुल मिला के 28 नंबर। चांदनी पांडे जी के संभावना जी देहलेबाड़ी 36 नंबर और बड़की माई की ओर से मिलल है 35 नंबर। कुल मिला के 71 नंबर। आनंद बाबू के संभावना जी देहली है 40 में 40 और बड़की माई इनका के देहली है 40 में 40। और दीपू आपके संभावना जी की ओर से मिलल है 40 नंबर और बड़की माई तो के देहले हैं 40 में 40। लेकिन अब यहां एक दुविधा खड़ा हो गई। श्वेता जी आपके टीम में दो जाबाज के मिल गए 40 में 40। अब फैसला आपके करे के पड़ी कि ये दोनों धुरंधर में से आपके के सुरक्षित कहल चाहता नहीं। हमारी दो टीम है, एक दीपू और एक आनंद, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और जब यहाँ पे मैं राय मशवरा कर रही थी कि किसे बचाया जाए, तो आनंद ने सामने से आकर बोला कि दीपू को बचा लीजिए, मैं अगले एपिसोड में इतनी मेहनत करके खुद ही बच जाऊंगा। वाह, जोरदार ताली हो ईशान के लिए। और एक ही कहल जाला जुनून, तोहरा ये जुनून खातिर के तोके संभावना जी के टीम से अंजलि और श्वेता जी के टीम से दीपू, दो धुरंधर सुरक्षित हो गए ले और बाकी लोग फंस गए ले भंवर जाल में। ये लोग के
अगला शुक्रवार के फिर से इस संग्राम लड़े के पड़ी, लेकिन जेकर परफॉर्मेंस रही हर बार मजेदार उहे बनी है मंच का सबसे बड़का भोजपुरिया डांसिंग सुपरस्टार। काहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।